दोस्तों, मैं डीसी सर नोटबुक आईएएस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आइए, जो चैप्टर हमने आपको लिया था, अब अध्याय 4 था, इसके पहले चरण की व्याख्या हो चुकी है और इसके दूसरे चरण में एक बार हम थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं। देखिए, ये चैप्टर था, इसमें ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है और इसी चरण में हम आगे स्टेप पे लेने वाले हैं, वो क्या होगा, महापाषाण। देखिए, खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की, ये आपका आज का डिस्कशन का क्लास का आज का टॉपिक यही है। महापाषाण, महा का मतलब बड़ा, महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब है पत्थर। वास्तव में ये पत्थर किसी शव को दफनाने के स्थान पर ये बड़े बड़े पत्थर विभिन्न तरीकों से लगाए गए हैं। इन पत्थरों को देखिए, महापाषाण से तात्पर्य क्या है, महा और पाषाण से है, जिसका अर्थ क्रमशः बड़ा पत्थर होता है। ये पत्थर शवों को दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़ी कुशलता के साथ लगाए गए हैं। महापाषाण को बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले आरंभ हुई थी। तो ध्यान में रहे कि जो लौह, आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं कि नवपाषाण काल के बाद और महापाषाण काल के बीच का जो चरण है वो एक अर्थों में लौह युग भी माना जाता है। इस काल के लोग विशिष्ट प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे। किस काल के लोग, अगर हम लौह काल को मान ले तो कौन कौन से, चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर या PGW इसे कहा जाता था। तो इस तरीके की जो प्रामाणिक उपलब्धता समकालीन भारत में प्राप्त हुई है उनमें प्रमुख स्थलों में अंतरंजी खेड़ा और उसके बाद मध्य प्रदेश का एक जनजाति अगरिया है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जनजात लौह से जुड़ी हुई थी आरंभिक स्तर पर। इसी प्रक्रिया में और आगे बढ़े तो वैदिक साहित्य में अगर हम इस धातु के बारे में बात करें तो वाजस्नेही संहिता में लौह और श्याम, किसमें, वाजस्नेही संहिता में, वाजस्नेही संहिता में दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, वो क्या है, लौ पहला और दूसरा शब्द जो यूज किया गया है वो है श्याम। इस अर्थों में भी इसको प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन सामान्यतः लौ का अर्थ यहां क्या है, वाजस्नेही संहिता में यहां इसका अर्थ तांबा है और श्याम का अर्थ आपका लौ है। तो ध्यान में रहे, विद्वानों का ये निष्कर्ष है। लेकिन जब अथर्ववेद में हम पहुंचते हैं, मतलब उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में, कब, अथर्ववेद में, तो जो यहां एक शब्द मिलेगा वो क्या है, वो है श्याम अयस्क। इसका श्याम अयस्क, इसका सीधा संबंध लौह धातु से लगाया जा चुका है। तो ध्यान रहे, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, मतलब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था है उसकी जानकारी सामान्यतः ऋग्वेद से मिलती है। लेकिन उसके बाद के जो तीन अन्य वेद हैं वो उत्तर वैदिक काल के माने जाते हैं। तो इस अर्थों में देखें तो इस समय तक ये शब्दावली अथर्ववेद तक वो लौह अयस्क के लिए प्रयोग की जाने लगी थी। तो इसी प्रक्रिया में हम महापाषाण संस्कृति को देखते हैं। तो महापाषाण संस्कृति बड़े बड़े शिलाखंडों के माध्यम से, मुख्यतः ये विशेषता तो किसकी है, यह प्रथा मुख्य रूप से कहां, दक्कन या दक्षिण भारत में थी, लेकिन इस प्रकार के कुछ और
प्रमाण कहाँ, उत्तर पूर्वी भारत से और कश्मीर में भी प्रचलित थे। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर और कुछ जमीन के भीतर भी होते थे। पुरातत्वविदों को कई बार गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एक ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाती है। महापाषाण कई प्रकार के हैं, ये कई प्रकार के विभिन्न उसके पत्थरों के आकार के आधार पर इसको कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। इन्हीं में से एक था ताबूत सावधान या शिष्ट प्रकार। इसमें आयताकार संदूक में शव को रखा जाता था। शिष्ट में एक पोर्ट होल होता था या बड़ा सुराग होता था जो शायद पत्थर से बने कमरों में जाने के लिए रास्ता था। इसका मतलब है कि जो महापाषाणिक संस्कृतियां थी वो क्या थी, महापाषाणिक संस्कृतियां महापाषाणिक संस्कृतियों में जो इसके प्रकार थे किसके, सावधानों के या इनके, तो इसमें पहला क्या था, शिष्ट सावधान, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अन्य कुछ प्रकारों में हम बात करेंगे, जैसे पिट सर्किल, अन्य प्रकार था पिट सर्किल। पिट सर्किल क्या होता था, इसमें पत्थरों की सहायता से एक वृत्ताकार गोल आकार में जब किसी शव को घेर करके उसको बना दिया जाता था तो उसको क्या बोलते थे, पिट सर्किल। इसी तरीके से एक और है डॉलमेन, डॉलमेन प्रकार, ये क्या हो गया पिट सर्किल प्रकार। ये कैसा, शिष्ट सावधान प्रकार। डॉलमेन का क्या मतलब होता है, डॉलमेन शिष्ट समाधि जो ये वाला था, शिष्ट इसी के समान संदूक नुमा होता था, लेकिन बस अंतर था कि संदूक पृथ्वी के अंदर ना हो करके पृथ्वी के बाहर या ऊपरी भाग में होता था, बाकी सारे की सारी समानता शिष्ट के समान थी। और आगे एक और अम्ब्रेला प्रकार था, एक और क्या था, अम्ब्रेला प्रकार था। इस प्रकार के सावधान में जो मुख्य रूप से अंतर था वो वर्गाकार भूखंड में, कैसे, एक ये वर्गाकार भूखंड में था, वर्गाकार भूखंड में प्राप्त किया गया था। इसी प्रकार से एक दो प्रकार और हैं जिनके बारे में उतना अधिक गहराई से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां जो सबसे बड़ी चीज थी कि ये महापाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद और सीधा लौह काल आ जाता है। ध्यान में रहे, अगर इस महापाषाण संस्कृत का एक क्रम उत्तर भारत की बात करें और दक्षिण भारत की बात करें, तो दक्षिण भारत में महापाषाण काल, पाषाण काल के बाद दक्षिण भारत में पाषाण काल आपने पढ़ा है, पाषाण काल के बाद ये सीधा कहां पहुंच जाएगा, ये पाषाण काल के बाद सीधा लौह काल में इंटर कर जाएगा, किसमें, लौह काल में। जबकि उत्तर भारत में पाषाण के बाद आपका एक बीच का चरण क्या आएगा, ताम्र संस्कृति। तो ये दोनों का एक समझ के रूप में आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अगर देखें तो नवपाषाण मतलब क्या हुआ कि पाषाण काल का अंतिम चरण और ताम्र पाषाण के बीच, ये क्या है, संक्रमण काल का, किसके बीच में, नवपाषाण और ताम्र पाषाण के बीच ये संस्कृति क्या है, संक्रमण काल का। लौह काल का मतलब इसलिए कह देते हैं कि महापाषाण में, महापाषाण में बहुत सारे प्रकार के लौह उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इसी प्रकार से अगर इनके वास्तविक प्रमाण की बात करें तो दक्षिण भारत में कई स्थान हैं जहां से ये प्रमाण प्राप्त किए गए हैं। प्रमाण की बात करें तो ब्रह्मगिरी और दूसरा नाम होगा चिंगलपुट, और एक और नाम ले सकते हैं कोचीन।
इन तीन स्थानों से लगभग ये सभी महापाषाणिक सावधान के प्रकारों के प्रमाण खुदाई में प्राप्त किए गए हैं। देखिए कब्रों में क्या क्या सामान मिला हुआ है वो देखते हैं। कब्रों में कुछ समानताएं हैं और उनके प्राप्त वस्तुओं के आधार पर यह समानताओं का निर्धारण किया गया है। सामान्यता मृतक व्यक्ति को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ क्या किया गया है, दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन या ब्लैक एंड रेड वेयर। ध्यान में रहे, महापाषाणिक संस्कृति का संबंध किस मृत भांड से है? आंसर होगा काले लाल मृद भांड। यह आपका प्रश्न हो जाएगा, नाम से जाना जाता है। कब्रों में बर्तनों के साथ साथ लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। कब्रों से मिले लोहे के सामानों में कुछ कुल्हाड़ियां हैं, कटार हैं और घोड़ों से संबंधित लोहे के सामान हैं। तो ध्यान में रहे, ये सारे के सारे सामान किससे हैं? लोहे के हैं। इससे ये पता चलता है कि पाषाणकालीन मानव के जीवन में लोहे की भूमिका किन किन कार्यों में होती थी। लोगों की सामाजिक असमानता की जानकारी। अब ध्यान में रहे कि जब किसी तत्कालीन समय की या अतीत के बारे में जब किसी समाज की समानता असमानता का मूल्यांकन करते हैं तो हमारे पास उपलब्ध प्रमाण क्या क्या हो सकते हैं। उन्हीं में से एक है कि इन कब्रों में अगर कोई कीमती धातु या कीमती वस्तु प्राप्त होती है तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पुरुष क्या रहा होगा, अमीर रहा होगा। और जबकि इसकी तुलना में अगर उसके साथ दफनाई गई वस्तु सोना चांदी या लोहा के अतिरिक्त अगर मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति क्या होगा, वो गरीब तबके का रहा होगा। तो आइए देखते हैं, कंकाल के साथ पाई गई चीजों में मरे हुए व्यक्तियों की किस व्यक्ति की रही होगी, एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में अधिक चीजें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी से एक उदाहरण प्राप्त हुआ है, ब्रह्मगिरी से प्राप्त एक कब्र में 33 सोने के मनके प्राप्त हुए हैं और संख्य भी। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति कैसा रहा होगा, अमीर किस्म का रहा होगा। जबकि दूसरे कंकाल में केवल कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही समुदाय या समाज संस्कृति में व्यक्ति में सामाजिक असमानता कम से कम समाज में उपलब्ध वस्तुओं के आधार पर विद्यमान थी। क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी? तो देखते हैं, कई बार महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं, ये शायद एक ही परिवार के लोगों की एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार पत्थर पर ये चट्टान चिन्ह के रूप में काम करते थे। तो एक प्रश्न स्वाभाविक सी बात है कि एक कब्र में एक परिवार के लोगों को दफनाना, क्या प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति के मरने के बाद क्या उस अगले व्यक्ति के मरने का इंतजार किया जाता होगा? तो नहीं, इसमें इस तरीके से उस कब्र का डिजाइन किया जाता था कि एक व्यक्ति जब मरता था तो उसको दफना देते थे और फिर उसमें उस घेरे में एक पोर्ट होल मतलब अंदर जाने का एक दरवाजा किस्म का बना दिया जाता था। अब उस परिवार विशेष में कोई व्यक्ति फिर मरता है तो उस पोर्ट होल के माध्यम से उस समाधि में ले जा करके उस व्यक्ति को दफना देते। तो चूंकि ये कहानी करोड़ों वर्षों पहले की है तो हमारे पास वो समय और काल किस आधार पर निर्धारित होगा, जो हमारे पास पुरातत्व विदों के द्वारा निर्धारित तिथि के आधार पर यद्यपि उसके एक काल के हैं या लंबी अवधि के बीच के हैं तो स्वाभाविक सा है एक परिवार में होंगे, सामान्यता 100-150-200 सालों के अंतर का होगा। तो उस करोड़ों वर्षों में 100-200 साल बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। तो बस इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरने वाले या 100 में प्राप्त होने वाली हड्डियों के आधार पर इस बात का निष्कर्ष निकाला जाता है कि शायद चूंकि एक साथ ये एक ही 100 पेटिका में प्राप्त होते हैं तो शायद ये एक ही परिवार के रहे होंगे। तो आइए आगे देखते हैं।
क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन, बच्चों के कंकाल, अगर कोई कंकाल बच्चों के कंकाल को उसके छोटे आकार के आधार पर पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे मतलब एक चाइल्ड हो, मतलब जो लड़की या लड़का हो, तो कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं कर सकते हैं। कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का है, इसका पता लगाने के लिए कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर, किसके सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। जैसे कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का अगर समानता किसी कंकाल के साथ आभूषण की प्राप्ति होती है तो उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो कंकाल है किसका है, महिलाओं का है। लेकिन इस समझ में, ऐसी समझ के साथ कुछ समस्याएं भी है, क्योंकि जब समाज में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी क्या करें, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आभूषण पहनते हैं, तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कंकाल किसका रहा होगा। तो एक और तरीका है जिनके आधार पर कंकाल को देख करके इस बात का निर्धारण किया जा सकता है कि ये कंकाल स्त्री का है या पुरुष का है। तो जो दूसरा तरीका क्या है, लिंग के पहचानने का बेहतर तरीका ये था कि महिलाएं चूंकि बच्चे को जन्म देती हैं, इस स्थिति में उनके जो उनका जो कटी भाग होता है कमर का या कूल्हा जिसे कहते हैं, वो पुरुषों से अधिक चौड़ा या बड़ा होता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है, वर्तमान संदर्भ में है। हो सकता है कि अतीत में भी इस तरीके की चीजें रही हो, या ये भी हो सकता है कि ऐसी संरचनात्मक विशेषता बाद में विकसित हुई हो इसके बारे में। इसीलिए आधुनिक शब्द का मतलब है कि ये बात आधुनिक अध्ययनों के आधार पर ऐसा कहा गया है, ना कि अतीत के अध्ययनों के। देखिए, चरक एक प्रसिद्ध भारत के प्रसिद्ध वैद्य हैं, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी है, पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है। उनके अनुसार मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के 206 से काफी ज्यादा है। अब क्या इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, शायद चरक ने अपनी गिनती में दांत और कार्टिलेज इत्यादि को जोड़कर यह संख्या बताई हो। इसलिए हो सकता है कि जो हड्डियां पेयर में काउंटिंग की जाती हैं वर्तमान संदर्भ में, उसको संख्या एक एक करके, या जो पेयर में होंगे उसको सिंगल काउंटिंग करके इस आधार पे संख्या 306 हो सकती है। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित एक प्रसिद्ध बस्ती जिससे कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए, भीमा की सहायक नदी, भीमा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ 3600 से लेकर के 2700 वर्ष पहले लोग रहा करते थे। यहाँ वयस्क को प्रायः सीधा लिटाकर दफनाया गया है, उनका सिर उत्तर की तरफ होता था। कई बार उन्हें घरों के अंदर, ये अलग विशेषता है, कई बार उन्हें घरों के अंदर दफनाया जाता था। बर्तन में खाने पीने की वस्तुएं शायद रखी जाती होंगी। अब ये औरों से अलग इस अर्थ में है कि जनरली सवाधान को या मृतकों को घर में दफनाया नहीं जाता था, लेकिन ये एक इनाम गांव की एक अनोखी विशेषता है जो इसे अन्य बस्तियों से अलग बना देता है। एक आदमी को 5 कमरे में, कहाँ पे, इनाम गांव में, एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में चार पैरे वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया है। एक कुछ 100 के पैर, इनमें से कुछ 100 के पैर क्या हैं, मुड़े हुए हैं। बस्ती के बीच में बसा यह शहर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। एक घर से अनाज के कुछ गोदाम भी प्राप्त हुए हैं। इस अनाज गोदाम से कई सारे प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। इनमें क्या है, गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त होती हैं, इन पर काटने के निशान भी हैं। अब हड्डियों पर काटने के निशान से एक निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि क्या निकाला जा सकता है, अनुमान यह है कि इनको लोग खाते होंगे, और इस आधार पर बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरहा और नेवला
चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई जाती हैं। बेर, आंवला और जामुन, खजूर, कई तरह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस आधार पर मूल्यांकन करें तो पता चलेगा कि इनाम गांव अपने आप में क्या है, एक गांव की बड़ी बस्ती है जहां पर तत्कालीन समाज में जितने भी उपभोग की वस्तुएं थी वो क्या है, आसानी से उपलब्ध रही थी, क्योंकि ये इसके उपलब्धता, अनाज की उपलब्धता इस गोदाम से और यहाँ से पशुपालन की जो हड्डियाँ प्राप्त होती हैं, इस आधार पे इसका एक व्यापक ग्रामीण आधार उपस्थित था। देखिए, चीन लगभग 3500 वर्ष पहले यहाँ लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण प्राप्त होते हैं। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है, इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां भी कहा जाता है। यह मान्यता है कि ये भविष्य बताती हैं, एक अनोखी परंपरा है। अभी तक हम लोगों ने देखिए कि दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि वैदिक कर्मकांड यज्ञ के माध्यम से होते थे, लेकिन ये कोई भारतीय समाज की विशेषता नहीं थी। अगर हम थोड़ा और पहले चले तो मिस्र में बड़े बड़े राजा सौओं के ऊपर पिरामिड बनवाते थे। इसी प्रकार से अब चीन के बारे में, भारत के बारे में, तो यज्ञ कर्मकांड के माध्यम से हमने इस बात को देखा, लेकिन मिस्र के शासक मरे हुए सौओं पर, या ममी जिसे कहा जाता था, उस पर बड़ी संख्या में पिरामिड नुमा संरचना बनाते थे, जो सात आश्चर्यों में से एक मानी जाती है। आइए, चीन की इस तरीके की जो धार्मिक आस्था या मान्यता थी वो किस तरीके की अभिव्यक्ति लोग अपने समाज में करते थे, आइए देखते हैं। राजा लोग लिपिकार से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, प्रश्न लिखवाते थे, जैसे क्या वह युद्ध जीतेंगे, क्या वह फसलें अच्छी होंगी, या उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर इन हड्डियों को क्या करते थे, आग में डाल दिया जाता था, और जब ये चटक कर इस हड्डियों में दरारें पड़ जाती थी तो भविष्यवक्ता उन दरारों के आधार पर भविष्यवाणी करते थे। ये एक अनोखा तरीका था। सोचिए कि आग में जलने के बाद एक हड्डी चटकती है या टूट जाती है, तो उससे वो भविष्यवक्ता किस प्रकार की भविष्यवाणी करते होंगे, ये तो वही जान सकते हैं, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक या तार्किक प्रमाण शायद नहीं रहा होगा। वैसे भी भविष्यवाणी का कोई तार्किक और वैज्ञानिक आधार तत्कालीन समय में, जब तकनीकी प्रगति बहुत अधिक नहीं थी, तो वो एक मनगढ़ंत के रूप में या जो भी रहा होगा, लेकिन ये व्यवस्था वहां पे थी। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, बहुत अधिक धन दौलत एकत्र कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन थे, लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ के राजा लोहे से परिचित नहीं है, कांसे के बर्तन हैं लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट वाला वीडियो किसमें है? हाँ, ये खत्म हो गया था। हाँ, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे आना है, इसी का एक्चुअल में चैप्टर अलग है, लेकिन इसी का एक पार्ट उसमें है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अब देखते हैं आगे कड़ी, इसी का अगला चरण, हम चैप्टर नंबर 5 में पहला चरण इसी से जुड़ा होगा।